हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत अनिका को पार्थ की बाहों में देख लेती है और उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके पीछे अनिका जाती है और पार्थ भी उसके पीछे जाता है और अनिका चिल्लाती है, कहती है, सीरत प्लीज़ मेरी बात सुनो यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। पार्थ भी पीछे से कह रहा होता है, सीरत ऐसा कुछ भी नहीं है यार, प्लीज़ बात तो सुनो। लेकिन सीरत कुछ नहीं सुनती और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी पार्थ की जो फियांसे होती है वो पार्थ का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ है? तो पार्थ कहता है, यार वो एक्चुअली कुछ नहीं, लेट इट बी, छोड़ो। तो पार्थ की जो प्यान से होती है वो ऐसे सामने आ जाती है उसके और कहती है कि बात बताओगे क्या हुआ है, सीरत क्यों गई है ऐसे? तो पार्थ कहता है कि यार वो एक्चुअली, तो कहती है, क्या क्या पोज क्या दे रहे हो मुझे, बताओ जल्दी। अनिका उधर सीरत के पीछे दौड़ती है कि सीरत कहीं कुछ कर ना ले। वो बहुत परेशान होती है सीरत को लेके और उसके पीछे जाती है। इधर उसके फियांसे पार्थ से पूछ रही होती है कि बात बताओ, एक्चुअली बात क्या है, मुझे बात जाननी है सारी, ऐसे कैसे रिएक्ट करके गई है सीरत तुम्हारा और अनिका? तो पार्थ कहता है कि पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और अनिका सिर्फ मेरी फ्रेंड है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वो मेरे लिए। अरे अनिका वहाँ आई थी, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसे सडन चक्कर आने लगे थे, गिरने लगी थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया, उसी टाइम पे सीरत ने उसे मेरे बाहों में देख लिया और कुछ भी नहीं हुआ। बेवजह की बातें, बेवजह का सोचना। तो उसकी जो है उसकी फैन से बोलती है, सॉरी बट जैसे हिसाब से तुम बता रहे हो तुम्हारी बाहों में अनिका थी, तो मैं भी देखती तो मुझे भी गुस्सा ही आता ना, तो इसमें सीरत की क्या गलती है? जो कोई भी सिचुएशन में किसी को देखेगा, और वैसे भी सीरत पहले से ही आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर थी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो देख लेगी अपनी पार्टनर को किसी के साथ, तो ऑब्वियसली ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना। तो पार्थ बोलता है, अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है, बट एटलीस्ट उसे एक बार बात तो सुननी चाहिए थी, कंफर्म तो करना चाहिए था, ऐसा भी क्या इनसिक्योरिटी यार, जब आपका प्यार आपसे कह रहा है, उसके कहने पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया, इतना सब कुछ अनिका ने बोल दिया, उसके बाद भी वो भी इनसिक्योर है, ऐसी भी क्या इनसिक्योरिटी है उसको, मुझे तो समझ के बाहर है ये चीज। तुम्हें भी हो जाएगी कभी किसी दिन ऐसी इनसिक्योरिटी, है ना, तुम भी किसी दिन कह देना। तो उसकी फियांसे कहती है, यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी चलें देखें वो कहाँ गई है, यानी कि अकेली परेशान हो रही होगी। तो दोनों जाते हैं बाहर के साइड, तो अनिका वहाँ सीरत के पीछे ही होती है, सीरत बिना गाड़ी के बहुत तेज जा रही होती है अकेले, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। अनिका उसे पीछे से आवाज़ मार रही होती है, प्लीज़ सीरत, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो यार, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, जैसा तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, सीरियसली कुछ नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, तुम्हें क्यों नहीं यकीन हो रहा, तुम्हें ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है जो तुम इतना डर रही हो, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। लेकिन सीरत उस टाइम पर कुछ नहीं सुन रही होती, उसकी आंख से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं, उसकी धड़कनें बहुत तेज होती हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, उसे चला भी नहीं जा रहा होता, उसके दिमाग में वो सीन बार बार घूम रहा होता है, उसका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा होता है।
ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत से एक घरौंदा बनाया है, बहुत मेहनत से एक घरौंदा तैयार किया गया और अचानक एक तेज हवा के झोंके ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐसी फीलिंग आ रही होती है उस टाइम पे सीरत को, उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा है, उसकी मोहब्बत दम तोड़ रही है, बहुत परेशान होती है। और ऐसे ही चलते 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 वो एक सुनसान रूट पे पहुंच जाती है, पीछे से पार्थ और उसके फियांसे भी गाड़ी लेके अनिका के पास आते हैं, वहाँ रोकते हैं अनिका के सामने और अनिका से कहते हैं कि वेट, हम रुकते हैं। तो अनिका पार्थ को साफ मना कर देती है, कहती बिल्कुल नहीं, ये मेरा मैटर है, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी परेशानी है, मैं खुद देख लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगी, अपने आप सॉल्व कर लूँगी, अपने आप इस सिचुएशन से निपट लूँगी, मेरी मोहब्बत है ना, अपनी मोहब्बत को मैं खुद संभाल लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे रिश्ते के लिए भी ठीक नहीं है, और आई एम सॉरी पार्थ, अगर सीरत को मेरा तुमसे बात करना नहीं पसंद है, मेरा तुमसे दोस्ती करना नहीं पसंद है, तो मैं इस चीज़ को यहीं ख़त्म करती हूँ इसी वक्त। मुझे सीरत चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, और इस टाइम पे इस मोड पे आके मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं। इस टाइम उनके दिमाग में, उनके अंदर बहुत बड़ा तूफान होगा, मैं उस तूफान को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। सीरत ऐसी नहीं है, अगर उनके दिमाग में, दिल में बार बार किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी आ रही है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई वैलिड रीज़न है, और मैं उसे कंप्लीट करूँगी, उसे दूर करूँगी, मैं सिर्फ उनकी बन के रहूँगी, मैं उस रीज़न को ही ख़त्म कर दूँगी जिसकी वजह से वो इनसिक्योर हो रही हूँ। तो आई एम सॉरी, बट मेरा आज से तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, सारे ताल्लुक मैं आज ही ख़त्म करती हूँ तुम्हारे साथ अपने, आई एम सॉरी। और फिर पार्थ की गर्लफ्रेंड की तरफ देखते और कहती है, आई एम रियली सॉरी कि आपको आज फर्स्ट मीटिंग में ये सब फेस करना पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड अनिका का हाथ पकड़ती है और कहती है, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई कैन फील योर सिचुएशन, गो और संभालो उन्हें, जाओ, बहुत टूट चुकी होंगी। थानी का वहां से उसके फियांसे को हक करती है और तुरंत चली जाती है सीरत के पीछे। और जब सीरत को ढूंढती है, क्योंकि सीरत आंखों से ओझल हो जाती है और उस समय वो पार्ट से बात कर रही होती है, तो इधर उधर देखती है, इधर उधर ढूंढती रहती है, थोड़ी दूर जाके उसे सीरत दिखाई देती है। सीरत बहुत टूट चुकी होती है, वहाँ रोड पे बैठ के वो रो रही होती है, उसे
बहुत तकलीफ हो रही होती है, इतनी तकलीफ कि आंखों से आंसू निरंतर बह रहे होते हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। तभी अनिका वहां जाती है और वो जोर से सीरत को हक करती है, लेकिन सीरत उसे झटक देती है और कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे भी अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेले रहना है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इस टाइम पे। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना तुमने, कितने अच्छे से मुझे यकीन दिलाया था, लेकिन सच्चाई तुम्हारी सामने आ गई। ऐसा कुछ था तो बोल देती ना, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुमसे दूर भी जा सकती हूँ हमेशा के लिए, और कहो तो करके दिखा दो, बट ये क्यों किया, क्या मिला तुम्हें ये सब करके। बहुत कुछ ऐसा बोल रही होती है और अनिका उस टाइम पे चुपचाप सुन रही होती है, वो सिर्फ इस समय सीरत को संभालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है इस समय उसका कुछ भी कहना कुछ भी बोलना सीरत को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो सीरत के फिर से करीब जाती है, सीरत उसे फिर धक्का दे देती है, वो फिर दोबारा कोशिश करती है, सीरत खुद पीछे हट जाती है, अनिका फिर कोशिश करती है, तो सीरत वहां से खड़ी हो जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना मेरे करीब भी मत आना, बिल्कुल करीब मत आना मेरे, हट जाओ यहां से, इस समय तुम्हारी शक्ल मुझे हर दर्द का एहसास करा रही है, जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ यहाँ से। लेकिन अनिका बिल्कुल वहां से नहीं हिलती, एक कदम नहीं हटती, वो वहीं बैठी रहती है, वो कहती है, ठीक है तुम्हें जहां जाना है ना तुम शौक से जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, यही तुम्हारा इंतजार करूँगी, इसी मोड़ पे हर वक्त, जब तक तुम मुझे खुद लेने नहीं आओगी मैं यहीं बैठी रहूँगी, आई प्रोमिस यू। तुम्हें ये लगता है ना कि तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है मैंने नहीं, तो मैं प्रूफ प्रूव करूंगी कि सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी तुमसे उतना ही प्यार किया है, उतनी ही तड़प है मेरे अंदर जितनी तुम्हारे अंदर है, मेरा नेचर अलग है तुम्हारा नेचर अलग है, दैट डजंट मीन कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की है, मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है, बेपनाह। सीरत नहीं सुन रही होती और वहां से चुपचाप चले जा रही होती है, और अनिका वहीं बैठी रहती है, वहां से बिल्कुल नहीं हिलती, दोनों की कश्मकश अलग होती है, दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं,
सीरत ने जो देखा वो उस पर रिएक्ट कर रही होती है, अनिका उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी इसीलिए कहते हैं कि रिएक्ट करने से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए। जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक हमेशा गलत रिएक्शन ही देंगे, जो कि हमारे रिश्ते के लिए, हमारे लिए, हर चीज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। खैर, अनिका वहां बैठे बैठे उसे आवाज मारती रहती है लेकिन सीरत नहीं सुनती। सीरत अपने दर्द में इतनी टूट चुकी होती है, इतना कमजोर फील कर रही होती है कि वो फेस करने की ताकत ही नहीं रखती अनिका को, कि वो एक बार अनिका के सामने जाके और उसकी बात सुन सके, क्योंकि उसने जो देखा उसको सच मान लिया है, जो सुना उस पे यकीन कर लिया। कहते हैं ना, मोहब्बत जब इम्तिहान लेने पे आमादा होती है ना, तब पता चलता है कि हमें सामने वाले से मोहब्बत कितनी है। सीरत ने बहुत मोहब्बत की, नो डाउट, लेकिन आज उसका इम्तिहान था। आज कुछ लाइनें याद आ रही हैं यूं तो मोहब्बत का आगाज बहुत जोर का था, मोहब्बत बेपनाह थी, चारों तरफ हमारी मोहब्बत का शोर था। कहते थे वो कि यकीन तुम पे हम खुद से ज्यादा करते हैं, लो जो आज देखा किसी और की बाहों में तो बेवफा करार दे दिया, बस इतना ही भरोसा था उन्हें हमारी मोहब्बत पे कि बिना कुछ जाने सोचे उन्होंने हमें बेवफा नाम दे दिया, ये लाइंस मैंने बहुत पहले लिखे थे, बट कभी ये नहीं सोचा था कि अनिका की तरफ से सीरत को डेडिकेट करनी पड़ेगी। आज ये अनिका के दिल की आवाज है। सीरत नहीं मुड़ती है और चली जाती है और जाके एक जगह बैठ जाती है। बहुत देर तक वहाँ बैठी रहती है, बहुत सारी चीजें सोचती रहती है, समझती रहती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता उसको, कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे क्या ना कहे। तड़प के उसके दिल से एक अजीब सी आह निकलती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद, खुद को थोड़ा शांत करती है, वहाँ से उठती है और घर की तरफ निकलने के लिए बढ़ जाती है। जैसे ही दो कदम चलती है उसे अनिका का ख्याल आता है और उसके खुद कदम रुक जाते हैं। मोहब्बत तो है ना और हमेशा रहेगी, जरा सी चोट से इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। वो पीछे मुड़ती है और सोचती है कि
या वो अभी तक वहीं बैठी होगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक वहीं बैठी होगी। लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते, पागल लड़की है, कुछ भी कर सकती है, क्या पता बैठी हो। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? उसको क्या मिला ये सब करके? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे आखिर? मैंने उसके लिए क्या कमी की थी? हर एक चीज तो की थी। अगर उसको दिल मेरे साथ नहीं लग रहा था तो उसे एक बार मुझसे बोल देना चाहिए था, मेरे सामने आके कबूल कर लेना चाहिए था। एक बार कबूल कर लेती तो मैं खुद उसे जाने देती, उसे नहीं रोकती। फिर दूसरे ही पल वो सोचती है, सीरत तुम अनिका पे बिलीव नहीं कर रही, तुम उस पे शक कर रही हो, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुम उस पे शक कर भी कैसे सकती हो? दूसरे ही पल उसके दिमाग में फिर से ख्याल आता है, जो मैंने देखा, जो मेरी आंखों ने देखा, जो मेरी कानों ने सुना, मैं उसे कैसे झुठला दूं? तभी उसका दिल कहता है, कभी कभी आंखों देखा कानों सुना झूठ भी हो सकता है। इधर से दिमाग कहता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, वक्त है, संभल जाओ। कल की पोएट्री की तरह आज सीरत का दिल दिमाग दोनों उसको अलग अलग बातें बता रहे होते हैं। सीरत बहुत परेशान हो रही होती है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, वो क्या रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करे, किसकी बात सुने, किसकी बात पे भरोसा करे, किसकी बात को इग्नोर करे, किस तरफ जाए, किस तरफ रुके, किस तरफ ठहरे, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। वो तड़प रही होती है, मचल रही होती है। और अपने आप से ही लड़ रही होती है। इधर अनिका वहाँ बैठी रहती है और रोती रहती है, मन में सोचती रहती है कि हमारी मोहब्बत की डोर इतनी कमजोर है कि जरा सा वजन पड़ते ही टूट जाएगी। क्या सीरत को बस मुझ पे इतना ही यकीन था? इतना ही मेहर को जानती है वो, इतनी मोहब्बत है? लेट्स सी क्या होता है। सीरत को वापस आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। अगर वो नहीं आई तो मैं सोच लूंगी कि मेरी मोहब्बत में ज्यादा ताकत ही नहीं है। इधर सीरत परेशान होती है, इधर अनिका परेशान होती है, दोनों ही अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इस समय हम दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते। खैर, तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। सीरत के अनिका को लेने वापस जाएगी या अनिका खुद सीरत के पास जाती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग प्रे कीजिए कि इन लोगों का सब कुछ ठीक हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।